अध्यापक पात्रता परीक्षा 23 व 24 जुलाई को दो सत्रों में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने चुनाव की तर्ज पर तैयारी की है। कुलबासर सेंटर पर परीक्षा आयोजित होंगी, जहां दो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही हर सेंटर के प्रत्येक कक्ष में कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे की कमांडिंग अभय कमान सेंटर पर होगी। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पेपर वितरण व OMR शीट कलेक्ट करने के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अस्थायी रूप से निजी एवं सरकारी बसों के लिए ठहराव स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। शुक्रवार से ही 4 अस्थायी बस स्टैंड स्थापित किए जाएंगे। बिलाड़ा अजमेर जयपुर मार्ग, बूंदी कोटा बारा मार्ग, भिलवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ मार्ग तथा भरतपुर अलवर करौली धौलपुर से संचालित होने वाले मार्ग के लिए BJS कालवी प्याऊ अजमेर रोड अस्थायी बस ठहराव स्थल होगा। इसी प्रकार से पाली उदयपुर सिरोही आबू रोड मार्ग, राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा मार्ग और जालौर भीनमाल संचौर मार्ग के लिए संचालित वाहनों के लिए पीली टंकी, भगत की कोठी पाली रोड, नागौर बीकानेर गंगानगर मार्ग और सीकर चुरू झुंझुनू हनुमानगढ़ मार्ग के लिए खेतानाड़ी से कृषि मंडी तिराहा के बीच सड़क के किनारे बाई तरफ खाली पड़ी जमीन पर मंडोर रोड पर अस्थायी बस ठहराव स्थल होगा। वहीं बालोतरा बाड़मेर मार्ग एवं रामदेवरा जैसलमेर मार्ग से संचालित होने वाले वाहन के लिए बारवी रोड रावण का चबूतरा मैदान बाड़मेर जैसलमेर रोड पर अस्थायी बस ठहराव स्थल होंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि दो सत्रों में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जोधपुर शहर में 62 परीक्षा केंद्रों पर 4 सत्रों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर प्रथम के कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02912650316 पर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02912510087 तथा रात्रिकालीन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 02926503550 होंगे। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष में परीक्षार्थियों को परीक्षा से संबंधित विविध प्रकार की जानकारी, समस्याओं के समाधान और सामग्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अजमेर पहुंचाने के लिए 21 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक कार्यरत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। देखिए, जैसे आपको ध्यान है कि 23 और 24 तारीख को प्रतिदिन 2 पारियों में रीट की परीक्षा होगी। लगभग हर पारी में 20,000 से अधिक जो कैंडिडेट्स हैं वो परीक्षा देंगे। जोधपुर में सेंटर्स जो है जोधपुर शहर और आसपास अर्बन पेरिफेरी में बनाए गए हैं। 62 सेंटर्स हैं, जिसमें 46 हमारे सरकारी कैंपसेस हैं और 16 जो हैं वो प्राइवेट कैंपसेस हैं। चुनाव की प्रक्रिया की प्रकार से हमने जोनल और एरिया मजिस्ट्रेट्स डिप्यूट कर दी हैं। जोधपुर के जो हमारे भामाशाह हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि भारी संख्या में परीक्षार्थी जो है बाहर के जिलों से भी आ रहे हैं और दूसरी तहसीलों से भी विद इन जोधपुर से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए आपने जैसे पहले सहयोग करा था उस प्रकार से आप उनके खाने और रहने की आवश्यकता अनुसार आप सहयोग करें।